नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार शाम उस समय खासा हंगामा हो गया जब वहां उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी प्रत्याशी कन्हैया कुमार और क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसियों के बीच परिचय बैठक चल रही थी। आपको बता दें, इस दौरान पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, कन्हैया और पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया में काफी बहसबाजी हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित और भी अनेक नेता मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक टिकट मिलने के बाद कांग्रेस को कन्हैया कुमार पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। इस बैठक का उद्देश्य चुनावी रणनीति भी तैयार करना था, लेकिन बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि उत्तर पूर्वी सीट से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने कन्हैया को यहां की टिकट दे दी। इससे संदीप खासे नाराज थे। बताया जा रहा है कि बैठक में संदीप थोड़ा देरी से पहुंचे थे तो मंच के सामने पीछे की ओर ही बैठ गए। इस पर लवली ने उनसे आगे आने को कहा, लेकिन संदीप ने मना कर दिया तो लवली ने फिर जोर देते हुए उन्हें आगे आने को कहा। कन्हैया ने भी अपनी सीट से उठते हुए संदीप को अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया। इस पर ही संदीप भड़क उठे और वह कन्हैया को भरा बुरा कहने लगे, साथ ही बाहरी कहने लगे। इस पर बावरिया भी भड़क उठे। उन्होंने संदीप को नसीहत देते हुए शांत रहने के लिए कहा, लेकिन संदीप गुस्से में लगातार कन्हैया को टारगेट करते रहे। तब कन्हैया ने भी धीरे से कह दिया कि आप तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। बता दें, अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी उन्हें काफी शांत कराने के लिए कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुए। संदीप ने बावरिया को भी नहीं बख्शा। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस मौके पर कुछ अपशब्द भी बोले गए। इस क्षेत्र के एक दो कांग्रेसी नेताओं ने भी संदीप का पक्ष लेते हुए कन्हैया को भारी का तमका पहना दिया। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कन्हैया के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, उसकी जानकारी हाईकमान को भी दे दी गई है। फिलहाल तो मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मामला इतना संगीन है कि दबने वाला नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस की सभा में कन्हैया कुमार के साथ व्यवहार किया गया, क्या वो सही था? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।